एक तरफ हिंदू राइट विंग फोर्सेस का गुस्सा है क्योंकि सीरीज की स्क्रिप्ट आतंकवादियों के नाम मुस्लिम नहीं हिंदू बताती, तो वहीं सो कॉल्ड लिबरल विंग इसे डिफेंड कर रही है और अपना वही पुराना बेसिस ऑफ फ्रीडम ऑफ सिनेमा और ऑथेंटिसिटी का गाना गा रही है। मुद्दा सिर्फ आतंकवादियों के नाम का ही नहीं, ये सीरीज ISI के लिए एक PR एजेंसी का काम कर रही है कि कैसे रॉ ने खुद के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया और ISI ने उनकी मदद की। लगता है बॉलीवुड में फंडिंग्स के साथ साथ अब स्क्रिप्ट्स भी लाहौर कराची से ही आ रही हैं। और सीरीज का ये एंगल इतनी चालाकी से स्लिप किया गया है कि आपका ध्यान भी इस पर नहीं गया हो। इसे समझने के लिए वीडियो एंड तक देखिए और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हो तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। अगर भारत के इतिहास के किसी इंपॉर्टेंट घटना के बारे में आप झूठ बोलते हैं और नई पीढ़ी को बताते हैं जो उस समय को नहीं जानते, तो झूठ सच बन सकता है और असली सच कहीं खो सकता है। नेटफ्लिक्स पर आई वेब सीरीज IC 814 द कांधार हाईजैक को लेकर कंट्रोवर्सीज रुकने का नाम नहीं है। कैप्टन स्पीकिंग, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू कि ये प्लेन हाईजैक हो चुका है। जनता में गुस्सा है क्योंकि बॉलीवुड फिल्म मेकर्स ने प्लेन हाईजैकर्स के रियल मुस्लिम नेम्स को बदलकर उन्हें हिंदू नाम दे दिया। सीरीज में हाईजैकर्स के कोड नेम्स भगवान शिव के नाम भोला और शंकर रखे गए जबकि उनमें से कोई भी हिंदू नहीं था। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन टेररिस्ट के असली नाम थे इब्राहिम अतहर, शाहिद अख्तर सईद, सनी अहमद काजी, जहूर मिस्त्री और शाकिर। वैसे सीरीज के डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने यह कोई पहली बार नहीं किया है, उनकी पुरानी फिल्म मुल्क ने भी इसी वजह से कंट्रोवर्सी खड़ी की थी। पर हम एक ऐसे डायरेक्टर से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं जो एक तमिल ब्राह्मण को मरने के बाद क्रिश्चियन रिचुअल से दफन करता है और फिर उसकी अस्थियां हिंदू परंपरा से नदी में विसर्जित करते हुए दिखाता है। इनके लिए शायद रिलीजियस सेंटीमेंट सिर्फ वही है जो सिनेमा की स्क्रीन पर एस्थेटिक दिखे। अगर लव स्टोरी है तो लड़की हिंदू होगी, उसके घर वाले गुंडे होंगे जो सीधे साधे मुसलमान हीरो को मार देंगे क्योंकि उसने प्यार किया। फिल्म के एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने यह कहा है कि उन्हें डर था कि इस हाईजैक से देश में इस्लामोफोबिया ना प्रवोक हो जाए। I remember being extremely disturbed because I feared that it would provoke another wave of Islamophobia. अब नसीर साहब जो भारत में रहने से डरते हैं और पाकिस्तान जाकर कहते हैं कि वो लगता है वो मैं अपने वापस घर लौट आया हूँ, उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? जो मोहब्बत मिलती है यहाँ पर उसका तो कोई मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है जाहिर करने को। जिस कदर मोहब्बत और जिस कदर प्यार मिलती है डर सराब भी नहीं लगता, जैसा कि मैंने कहा ऐसे लगता है कि घर आया हूँ। सिंस नसीर जी पाकिस्तान को अपना घर समझते हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वहाँ के हिंदू पॉपुलेशन अगर आपको थोड़ी बहुत दिखे तो उनसे जरा पूछेगा इस्लामोफोबिया का मतलब क्या होता है। नसीर साहब मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि इस्लामोफोबिया के लिए इस सीरीज की जरूरत नहीं है। सिर्फ हाईजैक का नाम सुनकर ही दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी रिलीजन कलर जेंडर का कोई भी इंसान होगा उसके मन में सिर्फ एक ही रिलीजन वाले की तस्वीर आएगी। लोगों को इस बात पर काफी गुस्सा आया कि बॉलीवुड हिंदुओं को एक गलत लाइट में दिखा रहा है और इसकी पुरानी आदत है बॉलीवुड की, वो ये आदत छोड़ नहीं पा रहा। इस्लामिक आतंकवादियों और पाकिस्तान ISI की क्राइम्स को हिंदुओं के नाम दे देना ताकि दुनिया फ्यूचर में ये देखे और हिंदुओं को दोषी पाए, ये इस नाराजगी का एक कॉमन सेंटिमेंट है। लोगों के इस गुस्से और नाराजगी को देखकर September 2 को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एक्शन में आई और उन्होंने नेटफ्लिक्स इंडिया को समन भेजा, जिसके जवाब में नेटफ्लिक्स इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करती हैं जिसमें बताया जाता कि नेटफ्लिक्स ने सीरीज की ओपनिंग क्रेडिट्स में चेंजेस करते हुए टेररिस्ट के रियल नेम और कोड नेम्स पब्लिक किए हैं। एंड आई एम रीडिंग इट एज पर कोट फ्रॉम मोनिका शेरगिल, वाइस प्रेसिडेंट कॉन्टेंट नेटफ्लिक्स इंडिया, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑडियंसेस अनफेमिलियर विद द 1999 हाईजैकिंग ऑफ इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 814, the opening disclaimer has been updated to include the real and code names of the hijackers. अब इस वीडियो के रिसर्च के दौरान मैंने कई आर्टिकल्स पढ़े जिसमें से IC 814 की उस फ्लाइट के पैसेंजर्स की टेस्टिमोनीज भी थी। IC 814 की सर्वाइवर पूजा बताती हैं कि यह बात सच है, सीरीज में यूज किए गए नाम असल में उन हाईजैकर्स के कोड नेम्स ही थे। पूजा ने अगली बात जो बताई है वो नसीरुद्दीन शाह और सोसाइटी में इस्लामोफोबिया हिंदुत्व टेरर को छाती से लगाकर रखने वालों के लिए। पूजा ने बताया कि हाईजैकर जिसका कोड नेम डॉक्टर था उसने इस 8 दिन के हाईजैक में 3 बार पैसेंजर्स को इस बारे में स्पीच दी कि इस्लाम कितना अच्छा मजहब है और हिंदुइज्म से लाख गुना बेटर है। हाईजैकर्स ने कन्वर्जन्स की भी बात की, पर नसीर साहब क्यों फैला रहे हैं लोग इस्लामोफोबिया बिना किसी वजह। सीरीज हाईजैकर्स को पाकिस्तान से होने का एक भी क्लू नहीं छोड़ने देती है, इंस्टेड वो दिखाते हैं कि इन टेररिस्ट के लिंक्स अफगानिस्तान से थे, यहां तक कि अलकायदा ओसामा बिन लादेन इस मास्टर प्लान में शामिल थे, और अगर पाकिस्तान का कोई इन्वॉल्वमेंट था भी तो वो बहुत माइनर था। पाकिस्तान की भली आर्मी ने तो इस फ्लाइट को लाहौर में लैंड होने की परमिशन दी, खाना दिया, फर्स्ट एड दिया,
अनुभव सिन्हा शायद ये खुल के दिखाना भूल गए कि जिन टेररिस्ट को रिहा करने की मांग हाइजैकर्स ने की थी, जिनका नाम मौलाना मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगार था, वो तीनों ही पाकिस्तान से थे और छूटने के बाद भी वो पाकिस्तान ही वापस गए। अफगानिस्तान क्यों इंटरेस्टेड होगा इन्हें छुड़ाने के लिए? साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। सीरीज पाकिस्तान को ग्लोबल स्टेज पे अपनी इमेज ना खराब करने के लिए अपने इस नाटक को दिखाने में फेल रही। इस सीरीज से एक चीज और क्लियर होती है, रॉ एजेंट्स तब तक ही इंटेलिजेंट और आउट ऑफ द वे जाके काम करने वाले एक्शन हीरोज हैं जब तक वो SRK या सलमान खान हो, वरना वो सिर्फ सिचुएशन से निकलने की कोशिश करने वाले और मिनिस्टर्स की परमिशन का वेट करने वाले एम्प्लॉयज हैं। और मुझे क्या, मैं तो सिर्फ नेटफ्लिक्स एंड चिल करना चाहता हूँ। नसीरुद्दीन शाह जी, यू आर राइट ऑन वन थिंग, आई एम जस्ट द स्टूपिड कॉमन मैन।